जय श्री कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं मनोज मिश्रा। प्रिय साधकों, आज आपको कर्ण पिशाचिनी के विषय में हम बताएंगे। कल लाइव आए थे, उसमें कर्ण पिशाचिनी के अनुभव हमने बताए, कर्ण पिशाचिनी के बारे में हमने बताया। आज कर्ण पिशाचिनी के मंत्र और सिद्धि के विषय में बताएंगे। ये प्रक्रिया पूरे 20 दिनों की रहेगी और एक एक बात हम बताएंगे आपको। अगर आप इस क्रिया से इस पिशाचिनी को सिद्ध करते हो तो निश्चित ही कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि आपको मिल जाएगी। और कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि अगर आपको मिलेगी तो आप किसी भी व्यक्ति का भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकते हो। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इसलिए कर्ण पिशाचिनी को अगर आपको सिद्ध करना है तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कर्ण पिशाचिनी कलयुग में स्वतः सिद्ध है, ये वाग्य देवी भी इनको कहा जाता है। कर्ण पिशाचिनी एक प्रकार की देवी है, एक प्रकार की यक्षिणी है। बस इनको सिद्ध करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। कोई राजस्व भाव से सिद्ध करता है, ठाट बाट भोग प्रसाद लगा करके, कोई तामसिक भाव से शमशान में जाकर के इनकी उपासना करता है, कोई सात्विक भाव से आत्म का साक्षात करके, मंत्र का चिंतन करके करके अपने मनोभाव को शांत करके त्रिकालदर्शी बन जाता है। बस इनको सिद्ध करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन जो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, ये बीच का मार्ग है। कौन सा मार्ग है? बीच का मार्ग है। और बीच का मार्ग जो होता है बड़ा ही समझ लीजिए सरल मार्ग होता है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। और कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के बाद आपके जीवन में भी कोई हानि नहीं होगा, यह मेरा दावा है। परंतु अपने इष्ट के मंत्रों का मरते दम तक आपको जप करना होगा। वो इष्ट का मंत्र, जो आपके इष्ट का मंत्र है, वो मंत्र आपको और उस पिशाचिनी को मुक्ति दिला देगा, इस भवसागर से पार करा देगा। क्योंकि जीवन का जो उद्देश्य है वो परम पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करना है। अगर आप उस कार्य से वंचित हो गए तो आए थे हरि भजन को औटन लगे कपास। क्या करने आए थे और क्या करने लगे। चलिए ज्यादा ना बात करते हुए आते हैं मूल बिंदु पर। पिशाचिनी को कैसे सिद्ध करना है? तो आपको बस केवल एक माला चाहिए, वो भी रुद्राक्ष की। एक वस्त्र चाहिए लाल रंग का, जो आपने कभी कभी मेरे वीडियो में देखा होगा, मैं लाल वस्त्र पहन करके ही साधना आराधना करता हूँ। 7 दिनों का मेरा पवित्र साधना चलने वाला है, वो एक एक वीडियो हम डालेंगे यूट्यूब पर कि प्रथम दिवस की साधना, द्वितीय दिवस की साधना, तृतीय दिवस की साधना, चतुर्थ दिवस की साधना, पंचम दिवस की साधना, षष्ठम दिवस की साधना और सप्तम दिवस की साधना, भाग एक भाग दो, ऐसे करके हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। अगर आपको वो साधना पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अपना कुछ अनुदान देना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ एकांत में रहेंगे, जंगलों में पहाड़ों पर रहेंगे, स्वतः साधना आराधना करेंगे, तो अपना अगर चाहते हैं कि आपका कुछ अंश मेरे समाज सेवा में लगे, मेरे गुरु में अर्पित हो, तो आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं संपर्क सूत्र और इत्यादि बैंक अकाउंट जो डिटेल्स होता है वो दे दूंगा। तो चलिए, आपको एक रुद्राक्ष माला की जरूरत पड़ेगी, एक लाल वस्त्र की जरूरत पड़ेगी, तिल के तेल का दीपक आपको चाहिएगा, मिट्टी का दीपक हो, तिल का तेल हो, शुद्ध तेल हो, तिल का तेल 1 लीटर 1.5 लीटर मंगा लीजिएगा। आपको एकांत कमरे की आवश्यकता है, एकांत कमरा जिसमें आपको कोई रोके टोके ना। अगर आप पहाड़ों पर साधना को कर सकते हो या एकांत मंदिर, एकांत जगह, कोई पेड़ हो तो भी वहां कर सकते हो, लेकिन आज के परिवेश में ऐसा शांत वातावरण मिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो मैं चाहूंगा कि अपने एकांत कमरे के कोने में ही साधना को करो। साफ सफाई करके गंगा जल इत्यादि से छिड़क लीजिएगा। और कर्ण पिशाचिनी साधना में प्रवेश करने से पहले भगवान शिव का कम से कम 5 दिनों तक आराधना करो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि भवम भवानी सहितम भवम भवामि सहितम नमामि। भगवान शिव को प्रणाम करो कि हे जगत के संहारक देवता, हे महाकाल, मैं आपके शरण में हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अमुक सिद्धि, जो आप सिद्धि करने वाले हैं, पैसाचिक सिद्धि, मैं पूर्णता महारथ हासिल कर सकूँ, पूर्णता इसे सिद्ध करूँ। इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ, आपका पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जप करने का संकल्प लेता हूँ।
इसलिए संकल्प लेता हूं कि मैं जो साधना करूंगा आपकी साधना आपके मंत्र अनुष्ठान के बाद उस साधना में मैं सफलता प्राप्त कर सकूं। इस निमित्त इस संकल्प से भगवान शिव की आराधना करिए। एक समय भोजन करके चित्रवृत्तियों को रोक करके मना स्थिति का आकर्षण करके खींच करके आप उस देवों के देव महादेव का पंचाक्षर मंत्र में एकाग्र भाव से ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 5,005 दिनों तक जप करिए। 25,000 मंत्र का अनुष्ठान करिए। आप में एक अलग ऊर्जा भर जाएगा, एक अलग शक्ति आ जाएगी और जिस भी मंत्र में आप प्रवेश करोगे इस मंत्र को जपने के बाद मंत्र थोड़े से जप में थोड़े से जप के बाद आपके जीवन में प्रकाश देने लगेगा, प्रकाश युक्त हो जाएगा वह मंत्र। फिर आपको क्या करना है, कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के लिए आपको वस्त्र बिछा लेना है। रात्रिकालीन 11 बजे आपको इस साधना को प्रारंभ करना है। कितने बजे? 11 बजे उत्तर या पूर्व की दिशा की तरफ मुकर के जपना है। दीपक जला लीजिए भगवान का ध्यान करते हुए। दीपक जलाने के बाद प्राणायाम करिए। कुंभक और रेचक इसे कहते हैं, कुंभक रेचक करिए। पूरक और कुंभक करिए, रेचक करिए। तीनों क्रियाओं को कम से कम 5 मिनट करिए ताकि आपका मन शांत हो सके, विचार आपके शून्य हो सके। फिर कर्ण पिशाचिनी के जो मंत्र है वह मैं बोल देता हूं। ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगले स्वाहा, ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगले स्वाहा, ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगले स्वाहा। इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था, उसमें कर्ण पिशाचिनी पिंगल लोचने स्वाहा, वहां लोचने मैंने कहा था, लोचन का अर्थ होता आंख। यह केवल मंत्र में देखिए, यही तो मंत्र के जानकार के पास जाना चाहिए। जब मंत्र के जानकार के पास जाओगे तो कौन मंत्र किसको देना है, वो मंत्र जो पहले के वीडियो में था वह पूर्णता सात्विक था, उसको सात्विक लोग ही कर सकते हैं। जो सात्विक विचारधारा के होंगे, ऋषि परंपरा से क्योंकि गायत्री संपन्न होंगे, उनको वो मंत्र के अधिकारी वो हैं, वो मंत्र उनको ही सिद्ध होगा। और कोई अन्य जो है बिना अधिकारी वाला बैठेगा तो वो मंत्र उनको दुष्प्रणाम देने लगेगा और बुखार हो जाएगा, अन्य घटनाएं घटित हो जाएंगी और लोग कहेंगे कर्ण पिशाचिनी ने तो जीवन को बर्बाद कर दिया। तो बर्बाद होगा ही होगा। अगर पेट में दर्द है और आंख की दवा खाओगे तो क्या होगा, सर में दर्द है पेट दर्द की दवा खाओगे तो क्या होगा। कौन मंत्र किसको जपना है ये आपका गुरु तय करेगा। जिस गुरु के आपके शरण में गए हो वो गुरु तय करता है कि मंत्र कौन सा किस प्रकार जपना है। और ये जो मंत्र है कर्ण पिशाचिनी पिंगले स्वाहा, ये सामूहिक मंत्र है। सामूहिक मंत्र किसे कहते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा कि सामूहिक मंत्र किसे कहा जाता है। सामूहिक मंत्र उसे कहा जाता है बहुत सारी पिशाचिनियां अरबों खरबों, जैसे मनुष्य की बहुत सारी कैटेगरी है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई कुंभकार है, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण से ऊपर सन्यासी है, वानप्रस्थी है, वैरागी है। ऐसे ही हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की सृष्टि में रूप अनेक, रूप है अनेक तो है जन्म है अनेक, पिशाचिनियां बहुत अनेक है। जो उनके मंत्र हैं ये सामूहिक है। कोई भी हो, तामसी राजसी सात्विक, कोई भी इस मंत्र को लेकर बैठ जाएगा उसके गुण अनुरूप यक्षिणी उसे प्राप्त हो जाएगी। अगर वो सात्विक है, सात्विक विचारधारा का है, गायत्री संपन्न ब्राह्मण है, अगर इस कर्ण पिशाचिनी को मंत्र को जप करता है तो सात्विक विचारधारा की कर्ण पिशाचिनी उसे सिद्ध होकर के तीनों काल की बातें उसके कान में बताएगी या सामने प्रत्यक्ष आकर के बताएगी, वो तो मत अनुष्ठान के बाद पता चलेगा। अगर कोई राजस्व व्यक्ति है, राशि ठाट बाट वाला है, उसे धन संपदा मान वैभव में बड़ा प्रेम है, उसे प्राप्त करना चाहता है, कल्पना करता है कि रात दिन ही सोचता है कि मुझे अमुक संपत्ति प्राप्त हो जाए, वह भी इस मंत्र अनुष्ठान को करेगा तो उससे गुण अनुरूप यक्षिणी उसे प्राप्त होगी। सात्विक आदमी है तो मैंने बता ही दिया उसे प्राप्त होगा, तापसिक आदमी है तो उसके गुण धर्म के अनुरूप उसे यक्षिणी प्राप्त होगी। ये मंत्र मैंने बता दिया, दिशा उत्तर या पूर्व बता दिया, तिल के तेल का दीपक जलाना है, प्राणायाम बता दिया, कुंभक रेचक पूरक करना है आपको, गणेश की एक माला आपको कर लेना है प्राणायाम के बाद, ओम गम गणपते नमः, ये पहले दिन ही आपको करना है, पहले दिन करना है। इसके बाद
निश्चित आसन, निश्चित समय, निश्चित संख्या, एक संख्या निश्चित कर लीजिए कि आपको इतनी संख्या में दीर्घकालीन यानी 20 दिनों तक जप करना है। मेरे हिसाब से 10,000 मंत्र आराम से हो सकता है कर्ण पिशाचिनी इंग्लिश वाच 4-4.5 घंटे में। आप बैठिए, अगर आपका पैर दर्द होता है, थोड़ा बहुत हिला डुला सकते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है तो एक माला पूरा कर लीजिए, इसके बाद 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, 2 घंटे लगातार जप करिए, इसके बाद उठिए, 15 मिनट टहलिए, आचमन शुद्धि करके, आचमन करके नारायण का नाम संकीर्तन करके पूरा आसन पर बैठ के उस मंत्र को पुनः चालू कर सकते हो। इसके बाद जहां आप साधना किए हैं उसी शयन कक्ष में आपको विश्राम करना है, जहां साधना चल रहा है उसी शयन कक्ष में आपको विश्राम करना है। सुबह उठना है, भगवत स्मरण करना है, स्वयं के हाथों से भोजन बनाना है, सात्विक भोजन अगर हो सके तो 20 दिनों तक निराहार रह करके साधना करिए तो आप की तेज में वृद्धि होगी, पिशाचिनी ये यक्षिणी जल्दी सिद्ध हो जाएगी। अगर नहीं हो पा रहा है तो एक समय भोजन करके, एक समय फलाहार करके इस साधना को करिए। मलमूत्र का ध्यान रखिए, पवित्रता का ध्यान रखिए कि निश्चित समय जा करके मलमूत्र त्याग करिए, नहीं कि आप बाथरूम जा रहे हैं तो कपड़े में लगा रहता है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप बाथरूम गए हैं तो पुनः स्नान करके जो है आचमन करके आसन पर बैठना है और 20 दिनों तक 10,000 मंत्र करने पर यक्षिणी स्वतः सिद्ध हो जाएगी, या प्रत्यक्ष आ जाएगी या स्वतः सिद्ध हो जाएगी और आपके विचारों के माध्यम से त्रिकाल ज्ञान प्राप्त कराएगी, भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान आपको प्राप्त कराएगी। ये जानकारी आपको कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अगर आप कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करना चाहते हो तो सीधे हमें कॉल कर सकते हो, हम आपको PDF और माला झोली जो चाहोगे हम प्रोवाइड करा देंगे और कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करवा देंगे। कर्ण पिशाचिनी पर मैंने शोध किया 1008 मंत्रों पर, कर्ण पिशाचिनी पर शोध किया है। कर्ण पिशाचिनी की वीडियो सबसे ज्यादा मेरे ही चैनल पर आपको मिलेंगी, जाकर के देख सकते हो पूरे यूट्यूब पर। कर्ण पिशाचिनी के केवल 2-3 ही व्यक्ति जानकार थे, नारायण दत्त श्री माले जी, सत्येंद्रदास महायोगी कौलांतक पीठाधीश, और इसके बाद बाय। कुछ लोग कहते हैं कर्ण पिशाचिनी तो प्राय लुप्त ही हो गई इस ब्रह्मांड से, कोई लुप्त नहीं हुआ है, आपका ज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। भगवान राम ने कहा है जो कुछ कल्पना करो इस ब्रह्मांड में पाया जा चुका है या वो घटना घटित हो चुकी है। मैं आपको बताता हूं कि आप स्वप्न में कुछ ऐसी जगह को देखे होंगे और जागृत में उस जगह पर पहुंच ही गए होंगे, लेकिन फिर आपने सोचा होगा कि स्वप्न में तो मैंने जगह देखा था, 2 वर्ष या 1 वर्ष या 1 महीने पहले ही जगह को मैंने स्वप्न में देखा था, ये जगह तो वास्तविक है। वैसे ही परमात्मा की अनेक शक्तियां, अनेक विभूतियां इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड में है, बस आप की चिंतन में वो आ जाती हैं, स्वतः आपका शरीर, आपका बुद्धि, आपका नेत्र जब उसके दर्शन कर लेते हैं तो उसके वस्तुत्व को स्वीकार करना पड़ता है। चलिए इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, बातें बहुत हैं, एक वक्ता जब बोलने लगता है तो माँ सरस्वती की कृपा हो जाती है, फिर अनेक शब्द अनेक भाव उस वक्ता के मन में अपने आप ही भगवती की कृपा से आने लगता है और वो विचार संवाद चलता रहता है। माँ भगवती को एक बार प्रणाम करके, आप सभी को नमस्कार करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ, मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ, एक नई जानकारी को लेकर के। हाँ, एक बात और, साधना मेरा शुरू होने वाला है, उस वीडियो को देखिएगा जरूर, अपने बच्चों को भी दिखाइएगा कि ये देश तपस्वियों का है, ये देश साधकों का है। आज भी इस देश में ऐसे लोग रहते हैं जो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, गृहस्थ रहकर भी आराधना करते हैं इस प्रभु का, सब कर सकते हो, बस आपके अंदर लगन हो जाए। एक बात मैं आपको बता दूंगा, जो स्वार्थी लोग हैं उन्हीं की कभी कभी हानि हो जाती है, जो निष्पक्ष लोग हैं, परमात्मा पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सत्यवादी लोग हैं, विजय उन्हीं की होगी। विजय अंततः धर्म वीरों की होती, पर इतना सहज नहीं है ये मोती, ये मोती इतना सहज नहीं है, परंतु अगर सत्य के साथ आप हैं निश्चित ही आपकी विजय होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।